हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान न्यू वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में शिक्षा विभाग में कुल कितनी जो पोस्टें हैं वो वर्तमान में वैकेंट है। हालांकि दोस्तों, आपने भी वो टेलीग्राम वगैरह पर देख लिया होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस किस विभाग में कौन सी जो पोस्ट है वो यहाँ पर खाली रहने वाली है। और ये सारी पोस्टें शिक्षा विभाग की पोस्टें हैं दोस्तों। वैसे आज राजस्थान का बजट भी आ गया है और इसमें लगभग 1 लाख पोस्टों की जो वैकेंसी है उसकी बात की गई है। हालांकि ये कब तक आती है वो तो सरकार ही इस पर बता पाएगी, लेकिन दोस्तों मैं आपको यहां पर बता दूं कि शिक्षा विभाग में राजस्थान में वर्तमान में कितनी पोस्टें वैकेंट हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक कटिंग है और ये दोस्तों जो साला दर्पण है उसके पोर्टल से लिया हुआ ये PDF का पेपर है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे इसमें संयुक्त निदेशक के जो पद हैं वो लगभग 9 पोस्टें अभी वर्तमान में रिक्त है। यहाँ पर दोस्तों स्वीकृत जो पोस्टें वो बताई गई है और कार्यरत जो पोस्टें वो भी बताई गई है कि इतनी अभी भरी हुई है और खाली कितनी है, इस तरफ यहाँ पर बताया गया है। इसमें दोस्तों उप निदेशक के यहाँ पर लगभग 10 पोस्टें वैकेंट है और जिला शिक्षा अधिकारी है इसकी लगभग 24 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है। दोस्तों, यहाँ पर प्राचार्य और इसके समकक्ष इसकी 7090 पोस्टें यहाँ पर वर्तमान में वैकेंट है और जो उप प्राचार्य समकक्ष है उसकी लगभग 12041 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है। साथ ही दोस्तों, उप जिला शिक्षा अधिकारी की यहाँ पर बात करें तो 21 पोस्टें इसकी वैकेंट है और प्राध्यापक स्कूल शिक्षा में अगर देखा जाए तो लगभग 12846 पोस्टें वैकेंट है। कोच और समकक्ष इससे संबंधित जो भी पोस्ट है उसकी लगभग 14 पोस्टें हैं वैकेंट और प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा में लगभग 41 पोस्ट हैं। वरिष्ठ अध्यापक में लगभग 25396 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है वर्तमान में। दोस्तों, वरिष्ठ शारीरिक जो शिक्षा अध्यापक है उसकी 1935 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है और अध्यापक की बात करें तो यहाँ पर 23280 जो पोस्टें हैं वो वर्तमान में वैकेंट है। दोस्तों, ये शिक्षा विभाग की पोस्टें हैं सारी की सारी। शारीरिक शिक्षा अध्यापक में लगभग 804 पोस्टें वैकेंट पड़ी है। पुस्तकालय जो ग्रेड से श्रेणी फर्स्ट है उसमें लगभग 23 पोस्टें हैं। श्रेणी सेकेंड में यहाँ पर 813 पोस्टें हैं और श्रेणी थर्ड में बात करें तो लगभग 1004 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है। वरिष्ठ प्रयोगशाला जो सहायक होता है उसकी 238 पोस्टें वैकेंट है। प्रयोगशाला सहायक की यहाँ पर 747 पोस्टें वैकेंट है और निजी सचिव की बात करें तो 4 पोस्टें वैकेंट है। वरिष्ठ निजी सचिव की 1 पोस्ट वैकेंट है। अति निजी सचिव की अगर बात करें तो इसकी 6 पोस्टें वैकेंट है और जो निजी सहायक ग्रेड फर्स्ट है उसकी लगभग 2 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है। निजी सहायक ग्रेड सेकेंड की दोस्तों बात करें तो 19 पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है और संस्थापन अधिकारी जो है उसकी 112 पोस्टें वैकेंट है। प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ पर जो 53 पोस्ट हैं वो वर्तमान में वैकेंट है। और अगर बात करें यहाँ पर दोस्तों अति प्रशासनिक अधिकारी की अतिरिक्त की तो उसकी 371 पोस्ट बाकी है यानी कि वैकेंट है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी की बात करें तो इसकी 1412 पोस्ट वैकेंट है और वरिष्ठ सहायक की बात करें तो इसकी 1932 पोस्ट वैकेंट है। कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर 4471 पोस्ट वैकेंट है। वरिष्ठ जो कंप्यूटर अनुदेशक है जो अभी पिछले 2 साल में यहाँ पर इसको जो है नया पद यहाँ पर बनाया गया था इसकी लगभग 359 पोस्टें वैकेंट है 591 में से। और बेसिक कंप्यूटर निदेशक की बात करें तो 3873 पोस्टें हैं। दोस्तों, ये लगभग 10,000 पोस्टें आई थी उस समय वैकेंसी के रूप में और उनमें से जो वैकेंट पोस्टें बची है वो यहाँ पर बताई गई है और भविष्य में इन्हीं पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो पोस्टें बढ़ा करके नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर स्वीकृत की जो संख्या है वो बताई गई है और स्वीकृत पोस्टों से ज़्यादा कभी भी वैकेंसी नहीं आती है। और दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक की बात करें तो इसकी 1728 पोस्टें वैकेंट पड़ी है और चतुश्रेणी के जो कर्मचारी है PON वगैरह जो सरकारी कार्यालय में होते हैं उनकी 22368 पोस्टें वैकेंट पड़ी है। दोस्तों, जमादार की यहाँ पर 376 पोस्टें वैकेंट है और प्रयोगशाला परिचारक की अगर बात करें तो लगभग 1249 पोस्टें वैकेंट है। दोस्तों, यहाँ पर अगर शिक्षा विभाग में टोटल पोस्टों की अगर अपन बात करें कि कितनी वैकेंट है तो दोस्तों 3,70,000 पोस्टें यहाँ पर स्वीकृत है। उनमें से यहाँ पर 2,45,328 पोस्टें भरी हुई है और 1,24,672 जो पोस्टें हैं वो वर्तमान में राजस्थान में शिक्षा विभाग में वैकेंट है। और दोस्तों, ये जो आपके सामने यहाँ पर ये जो विभागीय कार्यरत जो स्वीकृत पदों की संख्या है वो 1/7/2024 के अनुसार यहाँ पर बताई गई है यानी कि अभी 1 जुलाई 2024 का ये जो है न्यू अपडेट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये पोस्टें बताई गई है। वैसे आज लगभग 1 लाख पोस्टों की घोषणा हुई है लेकिन दोस्तों अभी निश्चित पता नहीं है कि कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी आएगी। और दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो थर्ड ग्रेड है और जो कंप्यूटर अनुदेशक की वैकेंसी है इनकी जो है जल्दी आने के चांस है। और इसके अलावा दूसरे जो विभाग है उनमें भी वैकेंसी आएगी
लेकिन कब तक आएगी और कितनी आएगी वो दोस्तों न्यू नोटिफिकेशन आएगा या अगर कोई न्यूज़ आएगी सरकार की तरफ से तो ही पता लग पाएगा। लेकिन वर्तमान में कितनी पोस्टें हैं वो आपको यहाँ पर मैंने बता दी है कि अलग अलग जो शिक्षा विभाग में अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी कितनी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट है। तो दोस्तों इसी तरह सरकारी जो जॉब्स है उसकी अपडेट के लिए आप MKN अकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पर पल पल की आपको जो है अपडेट दी जाती है। साथ ही दोस्तों RPC असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी जाएगी, क्योंकि उसके जो रिजल्ट है वो भी जारी होना शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी कोई अपडेट आती है तो आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।